सिटी धूरी की ट्रैफिक पुलिस ने पूरे धूरी शहर में लोगों को मास्क बांटकर मानवता की मिसाल पेश की। इस मौके पर एएसआई श्री संजय कुमार जी और एएसआई सरदार मिट्टू सिंह जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि डीएसपी सरदार परमजीत सिंह संधू के दिशा निर्देश अनुसार आज पूरे धूरी शहर में लोगों को मास्क बांटकर लोगों को कोविड-19 की बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहनकर रखें ताकि कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सके। जिला संगरूर धूरी पंजाब से अश्वनी भल्ला के साथ जगमेल सिंह सोढ़ी की खास खबर, समाचार इंडिया न्यूज पंजाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी भल्ला, जिला संगरूर पंजाब से। आज धूरी की पुलिस द्वारा मास्क डोनेट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की बढ़ती हुई महामारी को घटाया जा सके और इससे बचा जा सके। सरदार संजय कुमार जी और श्री मिट्टू सिंह जी द्वारा आज मास्क डोनेट किए जा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं उनके। सरदार परमजीत सिंह डीएसपी के दिशा निर्देश अनुसार आज मास्क डोनेट किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं संजय कुमार जी से इसके बारे में चंद बातें। संजय कुमार जी, आज आपने मास्क डोनेट किया, कितने मास्क डोनेट किए हैं? 300-400 के करीब मास्क हमने बांट दिए हैं शहर में, ताकि हम अपने बचा रहे लोगों को भेज दिया है कि अपने मास्क लगाने से मास्क। और लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, लोग साबसी देखे गए। सरदार मिट्टू सिंह जी, आइए आप बताइए कि आज आपने कितने मास्क डोनेट किए हैं? 200-250 मास्क बांट चुके हैं। और आपका कितना लक्ष्य है, आज कितने मास्क बांटने हैं? 600 मास्क बांटना चाहिए। और किसी का चलान किया है आज मास्क के लिए? चलान ही अगर बिहार किया जी पावर सनों जी, मास्क जरूर लगा के चलना बाजार। यह है धूरी की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जो कि लोगों के चलान ना काट कर उनको मास्क डोनेट कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है कि कोरोना की महामारी से बचा जा सके। समाचार इंडिया न्यूज़ चैनल से पंजाब धूरी से अश्विनी भल्ला के साथ।